और राजस्थान के मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है, बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आरक्षण दिया जा रहा है। सीएम मदन लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में ओबीसी एससी का आरक्षण मुस्लिम को दिया है। उन्होंने कहा कि जनता सपा कांग्रेस के फरेबी गठबंधन को सफल नहीं होने देगी, जनता मोदी और योगी के काम पर मुहर लगा रही है। 4 जून को 400 सीट के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 4 जून को 400 पार का जो नारा है हमारा, निश्चित रूप से साबित होगा और देश के तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से ईडी गठबंधन ने, क्योंकि आपने देखा है, परिवारवाद है, राहुल जी बहना माई जमाई इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, वही हैं, बस उनको कुछ नहीं देखता है। कांग्रेस एक परिवार के बीच, यहां के युवराज वो एक परिवार, और परिवार में भी ये हो गया कि जाति भी छूट गई, वही परिवार रिश्तेदार, बाकी अलावा कोई नहीं।